बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें मन लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक या तो इंसान बहुत उदास रहता है या फिर हद से ज्यादा खुश रहता है। उदासी में नकारात्मक विचार आते हैं और यह बीमारी लगभग 100 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी होती ही है। इस बीमारी का मुख्य कारण सही रूप से बता पाना कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक समझते हैं कि इस बार कई बार शारीरिक रोग भी मन में उदासी को तेजी कर सकते हैं। कई बार अत्यधिक मानसिक तनाव भी इस बीमारी की शुरुआत कर सकता है। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की एक मशहूर सिंगर है बॉबी रेक्सा। बीबी रेक्सा ने खुलासा किया है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं और पॉप स्टार ने अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें इसे लेकर के कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने सोमवार को इस बारे में खुलासा किया। बीबी रेक्सा की उम्र लगभग 29 साल है और वो मशहूर अमेरिकी सिंगर है। रेक्स ने ट्विटर पर लिखा कि लंबे अरसे तक मैं यह नहीं समझ पाई कि मैं क्यों बीमार महसूस करती थी, मैं इतना परेशानी क्यों महसूस कर रही थी। मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी या तो लोगों के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होना चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करती थी, तो मुझे सोने में भी काफ़ी परेशानियाँ होने लगी। मुझे काम करने या संगीत तैयार करने से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी और अब मैं जान चुकी हूँ कि आखिर इसका जो मूल रीज़न है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते जो है काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। इस बीमारी में व्यक्ति का मिजाज ज़रूर बदल जाता है, लेकिन अवसाद से ज़्यादा घिर जाना भी और हतोत्साहित होना भी इस बीमारी को लेकर के एक बड़ी दिलचस्प बात हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं और मुझे लगता है कि जो भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं उन्हें भी किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समय के साथ अपने आप रिमूव हो जाती हैं।